हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट एस के आर्या। तो दोस्तों, मैं आपको दिलाने वाला हूं डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफाइड सर्टिफिकेट। तो उसके लिए आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है गूगल अनलॉक्ड। जी हाँ, आपको सर्च करना है गूगल अनलॉक्ड। फिलहाल इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो फर्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, फ्री ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम गूगल, गूगल डिजिटल अनलॉक। जी हाँ, ये सर्टिफाइड कोर्स है। इसमें अभी डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है वो करंट टाइम पे फ्री है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आती है, वो कोर्स में अप्लाई तो कर लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको सारे के सारे आंसर बताने वाला हूँ, जिससे आप बहुत ही आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके सर्टिफिकेट पा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो एग्ज़ाम है ये 40 घंटे का होगा, यानी 40 आवर्स का होगा आपका ये जो ट्रेनिंग पीरियड है। अब आपको करना क्या है, फिर सिंपली रजिस्टर वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आप जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग 40 आवर्स 26 मॉड्यूल, यानी 26 मॉड्यूल हैं। हर मॉड्यूल के अंदर 4-5 वीडियोज़ होंगे, उनके कुछ अपने एग्ज़ाम्स होते हैं, कुछ क्विज़ होते हैं। उनको फाइनली कंप्लीट करने के बाद जो फाइनल आपका सर्टिफिकेशन के लिए एक टेस्ट होता है, एक जो एग्ज़ाम होता है, उसके एग्ज़ाम की मैं डिटेल यहाँ पे क्लियर करूँगा और उस एग्ज़ाम के जो सारे रिजल्ट हैं यानी सारे आंसर हैं मैं आपको शो करूँगा। ठीक है, फिलहाल मैंने भी इस एग्ज़ाम को दे करके मैंने भी एक सर्टिफाइड यहाँ से एक सर्टिफिकेट गेन किया है। तो आपको ईमेल आईडी वाले पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाल देनी है, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हो। ठीक, हम अपने यहाँ पे एक मेल आईडी मेंशन कर देते हैं। मेल आईडी डालने के बाद अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देगा पासवर्ड का, क्लियर। तो आप अपने मेल आईडी का यहाँ पे एक पासवर्ड डाल सकते हैं, जो आपकी मेल आईडी का रजिस्टर्ड मेल आईडी का पासवर्ड होगा। आप यहाँ पे वो पासवर्ड डाल के मेंशन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको उसी अपने वापस कोर्स पे आपको चले जाना है, जो फंडामेंटल वाला एरो है वहाँ पे आपको स्टार्ट कोर्स का ऑप्शन आएगा, स्टार्ट लर्निंग का। वहाँ पे क्लिक करके आपको ये कोर्स को कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए, ये तो हो गई कोर्स की बात। अब हम फाइनली बात करते हैं आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन की, फाइनल सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम की, यानी फाइनल एग्जामिनेशन के आंसर्स को हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मैं हूँ आपका दोस्त के आर्या। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आंसर शीट। फाइनल एग्जाम के अंदर 40 क्वेश्चंस होते हैं। जी हाँ, 40 आपके क्विज वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको सॉल्व करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको यहाँ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, वीडियो को पाउज कर करके आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पे आते हैं अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ठीक, तो मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, आप चाहे वीडियो को पाउज करके आप जा करके ऐसे आंसर फिल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन है ये बिगेस्ट चैलेंज वाले में, यहाँ पे डेवलपिंग वाला, डेवलपिंग अ प्लान। सेकंड ऑप्शन है वेयर यू कस्टमर हैव, यानी आप देख सकते हो स्क्रीन पे सारे आंसर मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, थर्ड हमारा आंसर है हाउ लॉन्ग बाइक बीन। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। चौथा आंसर है द कंसिडरेशन ऑफ फेज। ठीक, पांचवे में है हमारा डी ऑप्शन सोशल मीडिया, आप चाहे तो आंसर को लिख सकते हैं। छठा है गिव द डिस्क्रिप्टिव नेम। ठीक, सातवें क्वेश्चन में हमारा जो आंसर है इंडेक्सिंग है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट देखिए कई बार क्या होता है, देखिए आप आंसर देख रहे हैं कीवर्ड रिसर्च, कई बार क्या होता है कि आपके क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन अगर चेंज भी हो जाते हैं। कई बार हो सकता है कि आप जब ये क्विज देंगे तो हो सकता है कि आपके आंसर हमारे वीडियो से मैच ना करें। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको अपने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, उस क्विज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उस क्वेश्चन को आपको फाइंड करके जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। भाई मैंने बहुत मेहनत से ये बनाया है। ठीक है, तो इसका फायदा जरूर उठाओ, आप लोग भी इस गूगल यानी सर्टिफाइड कोर्स है इसका सर्टिफिकेट गेन करो। ठीक, आप देख सकते हो स्क्रीन पे सारे आंसर हैं, आप पॉज कर करके अपने क्वेश्चन को ओपन कर लेना, अपने ट्रेनिंग अपने एग्जाम सर्टिफिकेशन एग्जाम को, और यहां से देख देख के आंसर वहां पे फटाफट लगा देना। आपका काम बहुत ही आसान कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब तो एक लाइक बनता है वीडियो पे, वीडियो को लाइक करो और इसको सभी को शेयर करो ताकि सभी लोग इस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर पाए, सभी लोग सर्टिफिकेट
मार्केट को गेन कर पाएं। ये बहुत आपके, अगर मान लीजिए आप सीएस ब्रांच से हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपको बहुत काम आने वाला है। ये गूगल का सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है और आपको यहाँ पे एक गूगल की तरफ से रजिस्टर्ड नंबर और एक आईडी मिलती है जिस पे आप जाकर के अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई भी करवा सकते हैं किसी भी लेवल पर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सर्टिफिकेट है ये, बहुत ही अमेजिंग सर्टिफिकेट है, मैंने खुद किया है इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर पे, यहाँ पे प्रोवाइडिंग करके है, इसमें द ट्रांसलेट बट आल्सो लोकली, आप सारे आंसर देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ब्रेक कर लीजिएगा, ठीक है, स्टॉप कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन केयरफुली रीड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारे क्वेश्चन देखिए 40 के 40 हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक, तो कुछ थोड़ा सा एक दो सेकंड एक प्रोसेस लेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए 92% यानी मेरा क्वेश्चन आंसर सही था। आप बोलेगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, एक बार यहाँ पे कंफर्म करने के लिए ऑप्शन देगा कि आप सर्टिफिकेट के ऊपर क्या नाम चाहते हैं। तो मेरा नाम शुभम कुमार है, ठीक है, ऑफिशियली मैंने रैंडमली लिख दिया शुभम कुमार। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया डाउनलोड सर्टिफिकेट, जैसे ही हम डाउनलोड सर्टिफिकेट पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट देखिए नीचे डाउनलोड हो चुका है। चलिए इसको हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं सर्टिफिकेट हमारा कैसा दिखने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे एग्जाम के सारे आंसर आपको सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, उस लिंक पे जाके आप किसी भी क्वेश्चन को फाइंड करके आप वहाँ पे आंसर उसका देख सकते हो। तो चलिए अपने सर्टिफिकेट को ओपन करके आपको दिखा देते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट कितना अमेजिंग है, ठीक है। और बाकायदा रजिस्टर्ड आईडी है, आप इसको गूगल पे या नेट पे कहीं भी किसी भी लेवल पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं और करवा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही फ्री सर्टिफिकेट के लिए, रजिस्टर्ड कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट के मैं आपके पास लाता रहूंगा। देखिए ये है हमारा सर्टिफिकेट, यहां पे आपको नीचे शो रही है सर्टिफिकेट आईडी, यानी साफ साफ लिखा है गूगल डिजिटल अनलॉक्ड, ठीक है। यहां पे आपको मैं सर्टिफिकेट की आईडी दिखा देता हूं, ये देखिए। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और भाई इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि सबका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, सबको ये सर्टिफिकेट मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।